हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से, और आज बना रही हूँ मैं पाव भाजी। तो उसके लिए मैंने सब्जी कट कर ली है, गोभी है, बंद गोभी है, गाजर है, बैंगन है, मटर है और आलू भी है। सबको मैंने अच्छे से साफ करके मतलब कट कर लिया और उसको धो के, और धोने के बाद अब इसको हम रखेंगे उबालने के लिए। तो उबल चुकी है सब्जी हमारी, हमने नमक नहीं डाला था उबलते समय, अब नमक डालेंगे। तो हमने कट कर ली थी एक बड़ी प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, तेल हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि पाव भाजी में थोड़ा जब तक तेल ना दिखे तब तक अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद हमने थोड़ा सा जीरा डाला था, उसके बाद हमने प्याज डाल दिया, इसको भुनने देंगे। उसके बाद हम टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक कट करेंगे, तब हम इसमें डालेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको मैसर से मैश कर देंगे सब्जियों को इस तरीके से, बिल्कुल मार्केट जैसी पाव भाजी घर पे बनेगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेना है। और मैं अभी आ गई हूँ शहर में, यानी कि सूरत पहुँच चुकी हूँ, तो वहाँ के वीडियो है। और बहुत जल्दी मैं गांव जाने वाली हूँ, तो वहाँ के वीडियो आप लोगों को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि गांव की लाइफ कैसी होती है, गांव में किस तरीके से कच्चे घरों में रहते हैं, उनको लिपाई पुताई करते हैं, भैंस होती है घर में, भैंस से गोबर के कंडे कैसे थपते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भुन चुके थे मसाला, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है सूखे मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और उसमें भी हम इस तरीके से मैश करेंगे। थोड़ा बहुत टमाटर अगर बड़े बड़े होंगे ना तो इससे अच्छे से मैश हो जाएंगे, देख लीजिए। और अभी तो इतनी भयंकर ठंडी पड़ रही है, यहाँ पर नहीं पड़ रही है मगर गाँव में तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। और मेरी बात हुई थी तो मुझे पता चला कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा कि बोल सब लोग बोल रहे थे कि बिस्तर से यानी कि रजाई से उठने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बस उसी में बैठे रहो, कोई काम धंधा ना करो, इतनी भयंकर ठंडी पड़ रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी आती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गांव की कोहरा भरी ठंडी। और बस मेरा तो सुबह सुबह सारा काम स्टार्ट हो जाता है, चाहे ठंड हो चाहे गर्म, कौन सा भी मौसम हो, हम हाउस वाइफ का तो इसी तरीके से काम लगा ही रहता है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। हमने पहले नमक नहीं डाला था क्योंकि पहले समझ में नहीं आता कि भाजी कितनी बनने वाली है, कढ़ाई में हमको अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए हम उस हिसाब से नमक डालते हैं। और अब इसको अच्छे से मैश करेंगे, और मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी देर बाद मैश करने के बाद पाव भाजी का मसाला, तो और फिर धनिया डाल के इसको सर्व करेंगे। पाव के लिए मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया है कि आप आना तो पाव ले आना, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर पे मिलते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जब मैं काम से घर आऊँगा ना तो पाव ले आऊँगा, तब तक मैं भाजी का सारा काम ख़त्म कर देती हूँ जो भी काम है। देखो ऐसा मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो बर्तन बहुत सारे हो जाते, काम भी बहुत सारा हो जाता है। तो चलिए मैं देख लेती हूँ इसकी एक्सपायरी डेट, और उसके बाद हम इसको डालेंगे मसाले को, क्योंकि कोई भी हम मसाला लें तो एक्सपायरी डेट पहले देखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार हमको एक्सपायर चीज़ दे देता है, उनको डर नहीं लगता कि आखिर क्या होगा उससे, लेकिन वो तो दे देते हैं। तो इसलिए मैं जब कभी भी डालती हूँ कोई मसाले के पैकेट तो उस पर ज़रूर मैं एक्सपायरी डेट ज़रूर देखती हूँ। तो चलिए अब हमने डाल दिया है मसाला, और इसको एक बार फिर से अच्छे से मैश करेंगे कि कहीं ये मतलब बड़े बड़े टुकड़े तो नहीं रह गए हैं। और फिर ये देख लीजिए इस तरीके से, तो मैश करने के बाद सब्जी हमारी हो जाएगी लगभग तैयार। बचाओ तो आप 2 से 3 मिनट के लिए इसको कम गैस पे पकने दीजिए, जिसमें इसमें जितना भी तेल होगा ना वो ऊपर आ जाएगा, तो देखने में भी और ज़्यादा अच्छी लगेगी हमारी भाजी, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो किस किस को पाव भाजी पसंद है मुझे बताओ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है पाव भाजी। तो लगभग सब्जी हमारी पक चुकी है, तो धनिया हमने डाल दिया है। तो चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, हम हाउस वाइफ का तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये समय पे सारे काम चाहिए होते हैं। तो ये देख लीजिए तेल अब से अपने आप सब्जी ने छोड़ दिया है, तो सब्जी हमारी लगभग बन चुकी है। तो अब मैं घर का और भी काम है उनको निपटा लेती हूँ जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं। अभी बज रहे हैं 8:30, वो 9 बजे तक आएंगे, तो सारा काम निपटा लेती हूँ मैं। एक्स्ट्रा जो काम होती है बर्तन और थोड़ा मैं नमक टेस्ट कर लेती हूँ सही है कि नहीं, उसके बाद फिर मैं देखूँ, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें नमक परमानेंट होना चाहिए, मतलब परफेक्ट होना चाहिए तो ही अच्छा लगता है। तो मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैं उसमें नमक ऐड कर दूँगी, और फिर उसके बाद चलिए क्या करती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी अभी।
उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने सब्जियों को कट किया था तो बहुत ज़्यादा कचड़ा यहाँ पे इकट्ठा भी हो गया था। तो आज मैं आटा लेकर आई थी, आटा ख़त्म हो गया था। मैं यहाँ पे गेहूँ नहीं लेती हूँ, गेहूँ ले लो चाहे आटा ले लो, आटा सही मिल जाता है, गेहूँ थोड़े महंगे पड़ते हैं। और हम दो लोग रहते हैं ना तो हो जाता है, हमको ज़्यादा ये नहीं पड़ता कि चलो आटा हमको आटे में घाटा पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। और ये देख लीजिए, मैं तो हमेशा आटा ही लेती हूँ, गेहूँ बहुत कम लेती हूँ क्योंकि नीचे चक्की है तो वो तुरंत का तुरंत पीस के दे देता है। तो चलिए फटाफट से मैं बर्तन धो देती हूँ। मैं तो डेली ऐसा ही करती हूँ, जब कभी भी मैं ऐसा कोई काम करती हूँ ना, मतलब ऐसा कोई खाना बनाती हूँ जिसमें बर्तन बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो खाना बनाने के बाद मैं बर्तन ही धो धा के रख देती हूँ जिससे कि बात के लिए ज़्यादा बर्तन ना हो। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से। और चलिए बर्तन धोने के बाद फिर हमको करना है किचन क्लीनिंग। किचन मतलब जो भी है स्लिप है अच्छे से क्लीन करना है, सारे बोतल है तो भर के मैंने दोपहर में ही रख दी थी पानी की। तो चलिए फटाफट फटाफट से हम सारा काम करते हैं और फिर अपने हस्बैंड का आने का वेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं धोऊंगी बर्तन और फिर उसके बाद करूंगी स्लिप को क्लीन। वैसे तो ये देख लीजिए फ्रेंड, अच्छे से मैंने बर्तन धो दिए थे, उसके बाद हम करेंगे गैस को क्लीन। और यहाँ पर जो भी कचड़ा इकट्ठा करके रख लेती हूँ ना थैली में, वो शाम को मैं सारा बाहर कचड़े रानी में डाल के आती हूँ और सुबह जो गाड़ी आती कचड़े की मैं वो नीचे फेंक के आती हूँ। तो ये देख लीजिए, गांव में अच्छा है, साइड में ही एक मतलब फेंकने जाना पड़ता है, कोई टेंशन भरी काम नहीं होता कि जब आए तभी फेंकने जाओ, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। तो जब आपका मन करे तब आप फेंकने जा सकते हो। और चलिए फटाफट फटाफट से सारा काम करते, मेरे हस्बैंड लगभग आ चुके हैं और मतलब आने वाले हैं, तब तक मेरा सारा काम निपट जाएगा तो अच्छा है। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने बोला था ना कि मेरे हस्बैंड आने वाले, तो 5 मिनट लगा था मेरे हस्बैंड को आने के लिए। और फिर मैंने रख दिया है नॉनस्टिक तवा, क्योंकि सादे तवा में ना ये चिपक जाते हैं कभी कभी, तो हमने रखा है नॉनस्टिक तवा। और उसके बाद हम घी में सेकेंगे पाव, बटर में सेकते हैं तो और भी अच्छा लगता है लेकिन घी में सेकेंगे हम तो। ठीक है, तो ये देख लीजिए ऐसे आते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ ऐसे नहीं मिलते हैं, यहाँ पर ऐसे मिलते हैं पाव। और हमारे जो MP साइड में होते हैं ना वो गोल वाले पाव मिल जाते हैं, ऐसे नहीं मिलते, लेकिन पाव भाजी वाले पाव तो यही होते हैं। तो जब तक तवा हो रहा है गरम तब तक हम सलाद काट लेते हैं। तो हर किसी चीज़ का सलाद अलग होता है, तो पाव भाजी का जो सलाद होता है ना वो होता है प्याज और टमाटर और मंचूरियन, ये सारी चीज़ें हो गई ना, उनका सलाद होता है बंद गोभी का। बंद गोभी में नींबू डला रहता है और थोड़ा सा नमक या फिर काला नमक ऐसा कुछ डला होता है ना, वो होता है मंचूरियन का। तो ये देख लीजिए फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं जल्दी लाओ, मुझे भूख लग रही है, जल्दी लाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो खाना जब खाना खाते हैं ना दुकान पर तो जल्दी खा लेते हैं, कभी 12 बजे कभी 1 बजे कभी लेट हो जाते हैं, तो जल्दी खा लेते हैं ना तो फिर उनको भूख लगती शाम के टाइम ज़्यादा। तो मैंने कहा ला रही हूँ, आप इतना लेट आए मैं क्या करूँ। तो हमने डाला है घी, घी के बाद हम फटाफट से सेकने के लिए रख देते हैं पाव इस तरीके से। इसको काट के भी सेक सकते हो लेकिन मैं तो ऐसे ही सेक रही हूँ। अगर अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और फैमिली दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो सारे पाव को मैं इसी तरीके से सेकूँगी कम गैस करके, तब तक सेकेंगे तब तक नहीं तो वो जल जाएंगे, क्योंकि बहुत फास्ट गैस जलती है वो वाली हमारी, और तवा इतना ज़्यादा मोटा है नहीं, तवा पतला है। तब तक हम टमाटर कट कर लेते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू और डालेंगे इसमें नमक, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस सलाद को आप किसी भी सब्जी के साथ, किसी भी रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से मैं ले जाती हूँ, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे भूख लगी है बोल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है लाती हूँ फटाफट से, थोड़ा वेट कर लो। तो मैं परोस लेती हूँ भाजी, ये देख लीजिए फाइनल लुक भाजी का ये है, बिल्कुल मार्केट के जैसे ही टेस्ट खाने में आ रहा था और देखने में भी मार्केट जैसा ही लग रहा था। तो हम ले लेंगे चम्मच और फिर उनके लिए परोस के रख आते हैं, फिर उसका बाकी का सामान बाद में ले जाएंगे, पहले इतना ही लेके जाते हैं। नींबू वीबू सब ले लिया है हमने, पाव भी हमारे लगभग लगभग सिक चुके हैं अच्छे से। तो मेरे हस्बैंड आए थे तो उनका भूख लग रही है, तो मैंने कहा आप ले जाओ भाजी को, बारीक बाकी का सामान मैं लेके आती, तो उनने कहा ठीक है। तो ये देख लीजिए भैया, मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा। और ये देख लीजिए दोनों साइड अच्छे से घी लगाना जिससे कि अच्छे से सिक जाएंगे। तो मतलब कहते हैं ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि पाव बादी करते हैं या फिर पाव पेट में जाके जम जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, उनको अच्छे से सेक लोगे ना तो अच्छे से, तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं करते। और फिर हम रोज़ रोज़ खाते भी कहाँ हैं,
आठ दस दिन, 15 दिन नहीं, कम से कम 1 महीने में एक बार खा लिया तो खा लिया, नहीं तो रोज़ रोज़ कौन बना रहा, कोई नहीं बनाता। तो चलिए सेक लेते फिर लेके चलते हैं। तो हमारे यहाँ बन नहीं, हमारे यहाँ देख रहे थे टीवी, तो ये देखो मुझे डांट रहे थे, बोल रहे थे कितना टाइम लगा लिया तूने। तो मैंने कहा मैंने थोड़ी ना लगाया है, वो तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समय भी हो ही जाता है। तो फिर मैं ये देख लीजिए पानी वानी सारा सामान ला के बैठ गई खाने के लिए, तो वो भी खा, मैं उनसे बोली कि खाओ आप, भूख लग रही है तो आप खाना स्टार्ट करो, मैं खाती हूँ, तब तक मैं नींबू और निचोड़ लेती हूँ प्याज में और सब्ज़ी में, तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देख लीजिए अब हम लोग खाना खाएंगे, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खाइए हमारे साथ खाना। तो ये टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, कोई पिक्चर लगा लेते हम और उसके बाद हम खाना भी खाते चलते हैं और पिक्चर भी देखते चलते हैं। तो ये देख लीजिए आज का वीडियो इतना ही है, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो भी बताना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी बताना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना।